और दोस्तों यही है हमारा एडन गार्डन का मैदान। और जैसे विकेट विकेट गड़ गया है, सभी लड़के तैयार हो गए हैं और मैं आप लोग को दिखा दूं हमारा ग्राउंड। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों यहाँ जिस पत्ती से बेड़ी बनता है ना, उस पत्ती का बधाई कर रहे हैं हमारे पापा, है ना। और देख सकते हैं दोस्तों, अब पहचान भी जाएंगे शायद इस पत्ती को, ये तेंदू का पत्ती है दोस्तों, है ना। तो कुछ इस तरीके से इसको बधाई करते हैं, जैसे मैं आप लोग को दिखा दूँ। और ये इस तरीके से दोस्तों हम लोग बधाई करते हैं, है ना। और कितना कितना रहता है पापा इसमें? 25 इस तरफ, जैसे दिखा दूँ, 25 इस तरफ और 25 इस तरफ। और ये 50 का ये फेरी है दोस्तों, है ना। और ये कितने रुपए का जाएगा एक सौ एक बंडल? टोटल रेट कितना है इसका? 300 का 300 रुपये, मतलब 100 बंडल। इस टाइप से हम लोग 100 बंडल अगर बनाएंगे ना दोस्तों, तो उसका हमको 300 रुपये मिलेगा अगर इसको हम डायरेक्टली जाके फड़ में बेचते हैं ना। और कुछ इस तरीके से है। और अगर इसी से हम अगर इसको दोस्तों अगर हम बीड़ी बनाए ना, इससे एक पत्ती से 3 या 4 बीड़ी बन सकता है, है ना। तो कुछ इस टाइप से है, तो इसको हम बीड़ी नहीं बनाते हैं, डायरेक्टली जाके फड़ में बेच देते हैं। इसकी एक सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी जहाँ पर खरीदी होता है वहाँ पर लेके इसको बेच देते हैं। तो कुछ इस टाइप से देखिए दोस्तों। और हम लोग अभी कितने दिन से तोड़ रहे हैं पत्ती? 5-6 दिन से हम लोग पत्ती तोड़ रहे हैं दोस्तों। और हमारा जो है ना, तो 1000 से ऊपर हो गया है ना, 1000 से ऊपर, मतलब 10 सैकड़ा हम लोगों ने तोड़ लिया है। और उसका 10 सैकड़ा का 3000 रुपये का हमने ये पत्ती तोड़ लिया है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से बांधा जाता है, जैसे ये पापा बांध रहे हैं, तो कुछ इस टाइप से ये पत्ती बांधा जाता है दोस्तों। तो आ गया हूँ थोड़ा सा दुकान की तरफ, क्योंकि क्रिकेट खेलने जाना है और कुछ सामान रख लेते हैं ना, क्योंकि क्या है कि दूर जाना पड़ेगा क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन सेठ यहाँ पे कुछ बाल वाल सेटिंग करवा रहा है, चंतूपुर जो क्या बोलते हैं सिलोन ना, क्या बढ़िया बाल वाल कट गया है इसका। इसलिए हम कुछ सामान ले लेते हैं दोस्तों, वहाँ पे सेठ है ना, तो कुछ सामान ले लेते हैं। इसके बाद क्रिकेट खेलने जाना है। और आप तो जानते हैं कि कल भी मैं क्रिकेट खेलने नहीं जा पाया था, वो हुआ ये था कि कल मैं काम में चला गया था, है ना। तो कल भी क्रिकेट नहीं खेल पाया था और कल हमारी टीम हार भी गई थी, है ना। तो अभी क्या है कि सामान ले लेते हैं कुछ खाने के लिए, कुरकुरा वगैरह, इसके बाद चलते हैं क्रिकेट खेलने। और सामान लेके आ गया हूँ दोस्तों चौराहे की तरफ, जैसे देख सकते हैं ना, तो यहीं पे सारे लड़के इकट्ठा हो जाते हैं, यहीं से हम लोग चल देंगे अभी क्रिकेट खेलने के लिए, है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं यहाँ पे। और दोस्तों सभी लड़के इकट्ठा हो गए हैं, जैसे देख पा रहे हैं ना, सभी लोग जा रहे हैं। और मतलब पूरे लड़के आज नहीं आ पाएंगे, वो इसलिए दोस्तों कि हमारे गाँव से एक बारात है, तो कुछ लड़के क्या है रिलेशन से है ना उसके, तो वो सब चल देंगे आज बारात। लड़के का शादी है, दोस्त का शादी है, तो मैं तो शादी में नहीं जा रहा हूँ। तो अभी कुछ लड़के ही हैं हम लोग, और हम लोग जा रहे हैं दोस्तों क्रिकेट खेलने, है ना। हम लोग का ग्राउंड आगे है, मैं वो भी आप लोग को दिखाऊंगा। और दोस्तों यही है हमारा एडन गार्डन का मैदान। और जैसे विकेट विकेट गड़ गया है, सभी लड़के तैयार हो गए हैं, और मैं आप लोग को दिखा दूँ हमारा ग्राउंड। और कुछ इस टाइप से है दोस्तों हमारा ग्राउंड, है ना। हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे लिए पर्याप्त है। थोड़ा सा दोस्तों ये डिस्टर्ब कर देता है, है ना, ग्राउंड में जो महुआ का पेड़ है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है। और खैर कुछ नहीं, है ना, उतना चलता रहता है। लेकिन दोस्तों आज जो लड़के आने वाले थे ना, वो भी नहीं आए हैं, तो इतने लड़के में ही हम लोग काम चलाएँगे, क्योंकि एक बारात है तो वो लोग बारात चले गए हैं, है ना। तो अब जितने लोग अभी आए हैं उतने लोग ही खेलेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कुछ इस टाइप से था, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो थोड़ा सा सपोर्ट कर देना यार, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।